subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब सदा खुश रहो और भगवान हम सब को स्वस्थ रखे। आज बहुत दिन के बाद पहली बार ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों को क्लास में समझ में आती थी, क्लास में समझाया जाता था, उसी प्रकार से यहाँ भी समझ में आएगा। आज से हम लोग फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, आज हम लोग पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट हिंदी होता है ठोस अवस्था। तो आज हम लोग पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं हम लोग कि जनरली हम लोग ठोस पदार्थों से घिरे हुए हैं। हमारे इर्द गिर्द अधिकांश जो वस्तुएं होती है वो ठोस होता है। ऐसे हम लोग जनरली जानते हैं कि पदार्थ के मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये पदार्थ के मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इस तीन अवस्था में सबसे प्रमुख अवस्था है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। सबसे प्रमुख, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेट है मैटर का, वो है सॉलिड। तो मुख्य रूप से पदार्थ के तीन अवस्थाएं होती है। तो अब यहाँ से हम लोग समझेंगे कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से मैटर के बारे में समझेंगे कि मैटर क्या है। मैटर डैट मीन्स पदार्थ। एनीथिंग अराउंड अस ट्रीटेड एज मैटर। कोई भी वस्तु जो हमारे इर्द गिर्द है उसको हम लोग पदार्थ करते हैं। कोई भी वस्तुएं, एनी थिंग्स, कोई भी वस्तु जो हमारे इर्द गिर्द है, हमारे आसपास जो अवेलेबल है, उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं, एनी थिंग्स विच हैविंग मास। ध्यान रहे, एनी थिंग्स विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई अ स्पेस। दुनिया की कोई भी वस्तु, हमारे इर्द गिर्द की वे सारी वस्तुएं जिसमें मास, द्रव्यमान हो और जो जगह को घेरता है, उसको हम लोग कहते हैं पदार्थ। जैसे बेंच, कुर्सी, टेबल, जल, जो भी हमारे इर्द गिर्द जो वस्तु है उसी को हम लोग कहेंगे पदार्थ। जनरली अगर बात करें तो जनरली देयर आर फाइव स्टेट ऑफ मैटर। जनरली पदार्थ की पांच अवस्था होते हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड,
और तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा और पांचवा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हम लोग शॉर्ट में BEC कहते हैं। तो सामान्य रूप से ये पदार्थ के पांच अवस्था होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और BEC। लेकिन अगर हम जनरली मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से पदार्थ के तीन ही अवस्था होते हैं, ये है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ध्यान रहे बच्चे, पदार्थ के ऐसे जनरली पांच अवस्था है, लेकिन मुख्य रूप से पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इस सॉलिड, लिक्विड, गैस में जो सबसे प्रमुख जो अवस्था है वो है सॉलिड। तो इस चैप्टर में हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, ठोस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है ठोस। तो इस ठोस द्रव और गैस, इस ठोस द्रव और गैस में मुख्य अंतर इनके बीच उपस्थित अवयवी कण का, जो उपस्थित अवयवी कण है उस अवयवी कणों के बीच में उपस्थित रिक्त स्थान से। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस पदार्थ के तीनों अवस्था में इस तीनों का जो मुख्य अंतर है वो है इसके अवयवी कणों के बीच में उपस्थित रिक्त स्थान। अवयवी कणों के बीच में जो उपस्थित रिक्त स्थान होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटर मॉलिकुलर स्पेस, अंतर आण्विक स्थान। तो अंतर आण्विक स्थान के द्वारा ही इस सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम लोग अंतर को पता कर पाते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या अंतर है। तो अब हम लोग इस सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस में अवयवी कणों के बीच उपस्थित अंतरण्विक स्थान को समझेंगे। अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड स्टेट में जो उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, उनके जो अवयवी कण होता है, ये अवयवी कण एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं। ध्यान रहे, इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, उनके जो अवयवी कण होता है, ये अवयवी कण एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर। ध्यान रहे, ये जो अवयवी कण के बीच का जो रिक्त स्थान है, जो वैकेंट स्पेस है, ये वैकेंट स्पेस बहुत ही कम वैकेंट स्पेस है, मिनिमम वैकेंट स्पेस है। और ये जो कंसिस्टेंट पार्टिकल्स, ये जो अवयवी कण है, ये जो गोले हैं, इस गोले के बीच का जो रिक्त स्थान है, जो वैकेंट स्पेस है, वो बहुत ही कम है। और इसी वैकेंट स्पेस को हम लोग इंटर मॉलिकुलर स्पेस कहते हैं। ध्यान रहे, वैकेंट स्पेस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दिस इज कॉल्ड इंटर मॉलिकुलर स्पेस। अवयवी कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है उसी को हम लोग कहते हैं अंतर आण्विक स्थान। तो ध्यान रहे, इस सॉलिड स्टेट की अगर बात करें तो इस सॉलिड स्टेट में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत ही मिनिमम होती है, बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट में उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा गैप रह जाती है, थोड़ा डिस्टेंस अधिक होता है सॉलिड के रिस्पेक्ट में। इस सॉलिड के तुलना में इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का जो वैकेंट स्पेस है वो सॉलिड से ज़्यादा है। ध्यान रहे, ये दोनों के बीच का जो रिक्त स्थान है
वो कहलाता है वैकेंट स्पेस। तो इन दो अवयवी कणों के बीच, इन दो अवयवी या दो या दो से अधिक भी अवयवी कण हो सकता है, इन दो या दो से अधिक अवयवी कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है वो सॉलिड के तुलना में ज़्यादा है। यहाँ पे देखें एकदम एक दूसरे के वेरी क्लोज है, और यहाँ पर क्लोज नहीं है, थोड़ी दूरी है। जबकि अगर गैस की बात करें तो गैस में अवयवी कण जो होता है उनका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में दूरी मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर जो अवयवी कण के बीच की जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच की जो वैकेंट स्पेस है वो वैकेंट स्पेस मैक्सिमम है। यहाँ पर ध्यान रहे अवयवी कण इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का जो वैकेंट स्पेस है उसी वैकेंट स्पेस को हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। ध्यान रहे इंटरमोलिकुलर स्पेस का डेफिनेशन, द वैकेंट स्पेस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिस इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस अगर गैसीय अवस्था की बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक होती है, मैक्सिमम होता है। और तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस मिनिमम जबकि गैस में मैक्सिमम। तो लिक्विड की बात करें तो ये ना ही मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है, ठोस से ज़्यादा और गैस से कम। डैट मीन्स इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन लिक्विड स्टेट इज इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस। तो यहाँ पर ये सॉलिड लिक्विड और गैस इसके बीच अवयवी कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान के आधार पर इन तीनों के अंतर को समझा जाता है। तो सॉलिड लिक्विड और गैस ये रहा अरेंजमेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। तो अरेंजमेंट हम लोग यहाँ पे देखा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कि सबसे कम अंतरावयवी का स्थान होती है ठोस में, उसका सबसे ज़्यादा होता है गैस में। तो यहाँ से हम लोग सॉलिड लिक्विड और गैस का परिभाषा दे सकते हैं। हम लोग सॉलिड का परिभाषा यहाँ से दिया जा सकता है कि डेट स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मिनिमम इज कॉल्ड सॉलिड, एंड डेट स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मैक्सिमम दिस इज कॉल्ड गैस। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इस चैप्टर में सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट ये है, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो सबसे कम होता है। यहाँ पर देखा जाए तो इस सॉलिड स्टेट में जो कंसिस्टेंट पार्टिकल्स जो है, जो अवयवी कण है, वो वेरी क्लोज टू ईच अदर है। यहाँ पे इस सॉलिड स्टेट की बात की जाए तो सॉलिड स्टेट में उनके जो अवयवी कण होते हैं, जो कंसिस्टेंट पार्टिकल्स है, ये CPS कंसिस्टेंट पार्टिकल्स, ये जो कंसिस्टेंट पार्टिकल्स है, कंसिस्टेंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पर अवयवी कण एक दूसरे के काफी करीब हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो लिक्विड और गैसीय अवस्था में ये जो है वो क्लोज नहीं है। कंसिस्टेंट पार्टिकल्स आर नॉट क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पर कंसिस्टेंट पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के करीब नहीं है, जबकि सॉलिड स्टेट में कंसिस्टेंट पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के काफ़ी करीब है। तो ध्यान रहे कंसिस्टेंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर सॉलिड स्टेट। इस अवस्था की अगर बात करते हैं हम लोग, सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, तो जो कंसिस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनके जो अवयवी कण है एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं, वेरी क्लोज है, जबकि लिक्विड में कुछ दूरी है, जबकि अगर गैस की बात करें तो फार अवे है, सबसे अधिक दूरी पर है। तो इन दोनों लिक्विड और गैसीय अवस्था में कंसिस्टेंट पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के करीब नहीं है। इसका मतलब है कि ये क्लोज पैकिंग को नहीं दिखाता है, जबकि ठोस अवस्था जो है वो क्लोज पैकिंग को दिखाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट्स, इसका मतलब है, इसका रिजल्ट है कि कंसिस्टेंट पार्टिकल्स यहाँ पर क्लोज पैकिंग को दिखा रहा है सॉलिड अवस्था में, सॉलिड स्टेट में। तो ध्यान रहे इट्स सो क्लोज पैकिंग। तो ध्यान रहे कि सॉलिड स्टेट में अवयवी कण जो होता है वो क्लोज पैकिंग को दिखाता है, जबकि लिक्विड और गैसीय अवस्था में नॉट सो क्लोज पैकिंग,
इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इनके जो अवयवी कण है, क्लोज पैकिंग को नहीं दिखाता, नॉट सो क्लोज पैकिंग। तो सॉलिड स्टेट क्लोज पैकिंग को दिखाता है, जबकि लिक्विड और गैसीय अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं, लिक्विड और गैसीय अवस्था में जो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोज पैकिंग को नहीं दिखाता, जबकि ठोस क्लोज पैकिंग को दिखाता। अब इसके पास जब इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में इनके जो अवयवी कण है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है सॉलिड में, वो बहुत नज़दीक है, एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक है, ध्यान रहे, एक दूसरे के बीच काफ़ी नज़दीक होने के कारण उनके बीच में बंधन बहुत मजबूत है। अंतर आणविक स्थान, इंटरमॉलिकुलर स्पेस बहुत कम होने के कारण यहाँ पर इंटरमॉलिकुलर फोर्स मैक्सिमम है, जबकि यहाँ पे बात करें तो यहाँ का इंटरमॉलिकुलर स्पेस मैक्सिमम है। और जब इंटरमॉलिकुलर स्पेस मैक्सिमम है, दूरी ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा होने के कारण पकड़ कमज़ोर हो जाएगी, आकर्षण कमज़ोर हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर इंटरमॉलिकुलर फोर्स मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरमॉलिकुलर स्पेस मिनिमम है तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स मैक्सिमम होगा, जबकि यहाँ पे देखें तो इंटरमॉलिकुलर स्पेस मैक्सिमम है तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स मिनिमम होगा। तो आगे तो ये गैस, ये अरेंजमेंट है कंसिस्टेंट पार्टिकल्स का तीनों अवस्थाओं में। पदार्थ की मुख्य अवस्था सॉलिड, लिक्विड और गैस है। सॉलिड में कंसिस्टेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी करीब है, और जब कंसिस्टेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब है तो इंटरमॉलिकुलर स्पेस जो है वो मिनिमम है, और यहाँ पर कंसिस्टेंट पार्टिकल्स जो है वो फार अवे है, एक दूसरे से अधिक दूरी पर है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर इंटरमॉलिकुलर जो स्पेस है वो यहाँ पर मैक्सिमम है। तो अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें, तो इधर से सॉलिड से जब हम लोग गैस की ओर आ रहे हैं, तो देखें सॉलिड में स्पेस मिनिमम, यहाँ थोड़ा ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, इसका मतलब है इधर आ रहे हैं तो इंटरमॉलिकुलर स्पेस जो है वो इनक्रीज हो रहा है। सॉलिड में स्पेस सबसे कम, उससे ज़्यादा लिक्विड में, और गैस में सबसे ज़्यादा। तो जितना हम लोग लेफ्ट से राइट आए, इंटरमॉलिकुलर स्पेस का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इंटरमॉलिकुलर स्पेस बढ़ेगा, ध्यान रहे स्पेस बढ़ा, डैट मीन्स एक कंसिस्टेंट पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ रहा, इसका मतलब अट्रैक्शन कम रहा, फोर्स कम रहा, आकर्षण बल जो है वो कम रहा। तो इंटरमॉलिकुलर स्पेस जब बढ़ेगा तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स का मान घट जाएगा, और जब इंटरमॉलिकुलर फोर्स का मान घटेगा तो ध्यान रहे वांडरवाल फोर्स का मान भी घटेगा। वांडरवाल फोर्स आकर्षित अंतरांविक बल, आकर्षित अंतरांविक बल को हम लोग वांडरवाल फोर्स कहते हैं, मतलब उसका आकर्षण बल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब आकर्षण बल घटेगा, पहले एक दूसरे को पकड़ कर रख रहा था, धीरे धीरे दूरी बढ़ता जा रहा था, तो आकर्षण बल धीरे धीरे कमता जा रहा है, इसमें आकर्षण बल सबसे ज़्यादा, इसमें कम, इसमें सबसे कम, तो आकर्षण बल जब कमेगा, तो आकर्षण बल कमेगा तो मूव करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा, अट्रैक्शन जैसे ही कमा वो फ्री हो जाएगा, मूव करना आसान हो जाएगा। तो जब उसका अट्रैक्शन फोर्स कमेगा तो उसका मोबाइलिटी का मान बढ़ेगा, मोबाइलिटी का मान बढ़ेगा, मोबाइलिटी का मतलब होता है परिचालन, उसकी गमनशीलता, वो ज़्यादा तीव्र घूमेगा, मतलब स्वतंत्र हो जाएगा गति करने के लिए, अर्थात उसका मोबाइलिटी का मान बढ़ जाएगा। और जब मोबाइलिटी का मान बढ़ जाएगा अर्थात उसकी बहने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, और बहने की प्रवृत्ति अर्थात उसकी फ्लूडिटी का मान बढ़ जाएगा। तो ध्यान रहे सॉलिड में बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है, फ्लूडिटी, फ्लूडिटी, ये फ्लूड, एबिलिटी टू फ्लो, एबिलिटी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूडिटी, जिसमें बहने की प्रवृत्ति होती है उसको हम लोग कहते हैं तरलता। तो ध्यान रहे सॉलिड तरल नहीं होती है, ये तरल पदार्थ नहीं है, क्योंकि सॉलिड में जो कंसिस्टेंट पार्टिकल्स है, इनके जो अवयवी कण है वो एक दूसरे के काफ़ी करीब है, और जब एक दूसरे के काफ़ी करीब है तो इनके जो अवयवी कण है,
वो एक दूसरे से परस्पर बंधे हुए हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब वेरी क्लोज टू ईच अदर है तो ये आपस में बंधे हुए हैं, और जब आपस में बंधे हुए हैं तो वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। वो सिर्फ अपने माध्य स्थिति में दोलन कर सकता है, कंपन कर सकता है। ध्यान रहे, ये तरल नहीं है, ये बह नहीं सकता, इसमें बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। जबकि लिक्विड और गैस की बात करें तो इसमें कंसिस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में दूरी है, कंसिस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में यहाँ और अधिक दूरी है। तो जिसमें कंसिस्टेंट पार्टिकल्स के बीच का रिक्त स्थान ज़्यादा है, अर्थात अंतर आणविक स्थान ज़्यादा है, उसमें बहने की प्रवृत्ति होती है। तो लिक्विड और गैस में अंतर आणविक स्थान होने के कारण, ध्यान रहे, लिक्विड और गैस में अंतर आणविक स्थान अधिक होने के कारण इसमें बहने की प्रवृत्ति होती है। अतः ध्यान रहे, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस की ओर जाते हैं तो फ्लूडिटी का मान बढ़ता है, अर्थात लिक्विड और गैस तरल पदार्थ है जबकि सॉलिड तरल पदार्थ नहीं है। तो अब बात आती है कि ये फ्लूड क्या होता है। तो ध्यान रखिए भाई कि एबिलिटी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूड, जिसमें बहने की प्रवृत्ति हो। तो बहने की प्रवृत्ति होती है लिक्विड और गैस में, अर्थात लिक्विड और गैस एक तरल पदार्थ है। और ये जो तरलता का जो गुण होता है अवयवी कणों के बीच में उपस्थित रिक्त स्थान के कारण होता है, उसके बीच में उपस्थित अंतरान्विक स्थान के कारण होता है। अंतरान्विक स्थान जिसमें रहेगा वो उसमें बहने की प्रवृत्ति होगी, अर्थात वो फ्लूड का गुण दिखाएगा, अर्थात उसकी फ्लूडिटी अधिक होती है। तो ये था तरलता। अब इसके आगे अब हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट के बारे में। तो अब सॉलिड के गुण के बारे में बात करेंगे। तो अब हम लोग नया हेडिंग देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोस के गुण। तो ध्यान रहे, ठोस के गुण के बारे में बात करेंगे हम लोग। हम लोगों ने देखा कि जो ठोस पदार्थ है उस ठोस पदार्थ में जो कंसिस्टेंट पार्टिकल्स है, इसके जो अवयवी कण है, ये अवयवी कण एक दूसरे के काफ़ी करीब है। इस तरह से इसमें अवयवी कणों की जो अरेंजमेंट होती है, अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है, वो कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें कंसिस्टेंट पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के काफ़ी करीब है, और उसके बीच का जो ये अंतरान्विक स्थान जो है, इसको हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। ध्यान रहे, जो कंसिस्टेंट पार्टिकल्स है उस कंसिस्टेंट पार्टिकल्स के बीच का जो वैकेंट स्पेस है, उस वैकेंट स्पेस को ही हम लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, अंतर आणविक स्थान। तो इसमें हम लोग देखा कि जो सॉलिड स्टेट है उसमें कंसिस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है वो वेरी क्लोज है, एक दूसरे के काफ़ी करीब है। और जब एक दूसरे के काफ़ी करीब है तो इसमें अंतरान्विक स्थान बहुत कम है, और जब अंतरान्विक स्थान कम है तो इसको जब हम लोग कंप्रेस करें, जब इसको हम लोग दबाएं तो ये दबेगा नहीं, ये कंप्रेस नहीं हो सकता। इसको हम लोग अगर दबाना चाहें तो ये दबेगा नहीं, क्योंकि इसमें स्थान बहुत कम है, एक दूसरे के काफ़ी करीब है, और जब एक दूसरे के काफ़ी करीब है तो इसको दबाया नहीं जा सकता। तो सबसे पहला गुण, इट इज नॉट कंप्रेसिबल इन नेचर। ध्यान रहे, सॉलिड स्टेट ये जो होता है वो असंपीड प्रकृति के होते हैं। ये जो सॉलिड स्टेट है वो इनकम्प्रेसिबल नेचर का है, असंपीड प्रकृति का है। लेकिन लिक्विड और गैस की बात कर रहे थे तो लिक्विड और गैस में उसमें अंतरान्विक स्थान ज़्यादा था, और जब अंतरान्विक स्थान ज़्यादा था, जैसे ऐसा दूरी ज़्यादा था, तो इसको हम लोग दबा सकते हैं, तो ये दबेगा,
तो ध्यान रहे, गैस जो होता है वो कंप्रेसिबल होता है, गैस में अंतरणविक स्थान जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये कंप्रेस होता है। तो ध्यान रहे कि गैस जो है वो कंप्रेसिबल है, लेकिन अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं है। तो सबसे पहला गुण हो गया कि यह जो है वो असंपीड्य प्रकृति के हैं, इनकंप्रेसिबल नेचर का है। उसके बाद अगर दूसरा गुण की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जब ये दबेगा नहीं, ये दबेगा नहीं, जब दबेगा नहीं तो ये अपनी आकार को चेंज नहीं करेगा। अगर ये दब जाता तो आकार चेंज हो जाता, लेकिन दबेगा नहीं, तो दबेगा नहीं तो आकार चेंज नहीं होगा। और जब आकार चेंज नहीं होगा तो इसका जो जगह घेरा, किसी वस्तु के द्वारा जो जगह घेरा जाता है उसको हम लोग आयतन कहते हैं। तो जब ये जगह जो घेर रहा, जब इसका आकार नहीं बदलेगा तो जगह भी सेम छेकेगा जितना पहले छेक रहा था। तो इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ध्यान रहे, सेप और वॉल्यूम जो है वो दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। तो इसका आकार और आयतन निश्चित है। उसके बाद अगला, इसका जो घनत्व होता है वो उच्च होता है। और अगला है, इसमें अंतरणविक स्थान कम होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस निम्नतम होता है, तथा इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो अधिकतम होता है। इसमें तरलता का गुण नहीं पाया जाता है। यह तरल पदार्थ नहीं है क्योंकि इसमें अंतरणविक स्थान सबसे कम है। जिसमें अंतरणविक स्थान ज़्यादा होता है वही तरल होता है, जिसमें अंतरणविक स्थान नहीं है, सबसे कम है, वो तरल पदार्थ नहीं है। अब इसमें अंतरणविक स्थान कम होने के कारण, अंतरणविक कम स्थान कम होने के कारण इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, जिसके कारण ये जो उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये जो गोले हैं, ये जो अवयवी कण है, एक दूसरे के काफ़ी करीब है। और जब एक दूसरे के काफ़ी करीब है जब यहाँ, तो ये गति नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता, और ये सिर्फ अपने माध्य स्थिति के सापेक्ष सिर्फ दोलन करता है। इसलिए यह तरल नहीं है, और यही कारण है कि यह कठोर और सुदृढ़ होते हैं। तो अगला गुण कि जो ठोस होता है कठोर तथा सुदृढ़ होते हैं। तो था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और भी प्रॉपर्टीज को देखा जा सकता है, जैसे इन लोगों के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है, और जब इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है तो वंडरवाल फोर्स ज़्यादा है, और जब वंडरवाल फोर्स ज़्यादा है तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है, अर्थात इनके जो द्रवणांक और क्वथनांक है, वो भी उच्च होगा। तो अगला गुण, इनका द्रवणांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठोस के गुण हो गया। तो हम लोग इस चैप्टर में सॉलिड के बारे में ही बात कर रहे थे, धीरे धीरे करके हम लोग लिक्विड और गैस को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो अब हम लोग सॉलिड स्टेट पर मुख्य रूप से आ चुके हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे सॉलिड का कुछ डिफिनेशन, देखते हैं। कई प्रकार से सॉलिड का डिफिनेशन दिया जा सकता है। सबसे पहले तो उनके इंटरमोलिकुलर स्पेस के आधार पर, इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर, शेप एंड वॉल्यूम के आधार पर, और फिर मॉडर्न डिफिनेशन भी इसका दिया जा सकता है।
जिनके कुछ डिफिनेशनों के बारे में बात करें। तो हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में बात कर रहे थे। तो सॉलिड स्टेट का अब डिफिनेशन देखा जाए, सॉलिड का प्रॉपर्टीज देखा, अब उसके आधार पर हम लोग कई प्रकार से डिफिनेशन दे सकते हैं। सबसे पहला डिफिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिकुलर स्पेस एंड इंटरमॉलिकुलर फोर्स। इंटरमॉलिकुलर स्पेस और इंटरमॉलिकुलर फोर्स के आधार पर दें। तो हम लोग देखा था अभी जब हम लोग डायग्राम बनाए थे तो उसमें देखा गया था कि इंटरमॉलिकुलर स्पेस इसमें क्या था, तो इंटरमॉलिकुलर स्पेस मिनिमम था। जबकि इंटरमॉलिकुलर फोर्स की बात करें तो इसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इन दोनों की सहायता से अब हम लोग सॉलिड का डिफिनेशन दे सकते हैं। दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटरमॉलिकुलर स्पेस इज मिनिमम एंड इंटरमॉलिकुलर फोर्स इज मैक्सिमम, दिस इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। पदार्थ की वैसी अवस्था जिसमें अंतर आणविक स्थान न्यूनतम और अंतर आणविक बल अधिकतम होता है उसे हम लोग कहते हैं ठोस अवस्था। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिकुलर स्पेस एंड इंटरमॉलिकुलर फोर्स के आधार पर। अब हम लोग देखें दूसरा डिफिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड वॉल्यूम। तो अब हम लोग शेप और वॉल्यूम के आधार पर देखते हैं। तो बताया गया था ठोस का जब गुण देखा जा रहा था उस वक्त कि जो ठोस होता है उसका शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर डेफिनेट। तो हम लोग कह सकते हैं कि दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर डेफिनेट, दिस इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसको हम लोग कहते हैं ठोस। नेक्स्ट अगला डिफिनेशन और बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, इसको ध्यान रखें, ये तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं इस डिफिनेशन को। अब हम लोग अगला डिफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन की बात कर रहे हैं। ध्यान रहे कि पदार्थ की वैसी अवस्था जो वायुमंडलीय दाब के अधीन जिसका गलनांक कमरे के ताप से अधिक हो उसको हम लोग कहते हैं ठोस पदार्थ। ध्यान रहे अगला परिभाषा हम लोग बात करें कि वायुमंडलीय दाब पर यदि किसी पदार्थ का गलनांक कमरे के ताप से अगर अधिक होता है तो उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं ठोस अवस्था। तो अब बात आती है कि ये गलनांक क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो अब हम लोग बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट का हिंदी होता है गलनांक, या इसी को बोला जाता है द्रवणांक। गलनांक या इसी को बोलते हैं द्रवणांक। जिस ताप पर कोई ठोस पिघलना शुरू कर दे उसको हम लोग कहते हैं द्रवणांक। उसी प्रकार से अगला है क्वथनांक, और इंग्लिश होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट जिस ताप पर कोई द्रव उबलना शुरू कर दे उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रहे ठोस पिघलना शुरू कर दे द्रवणांक, और द्रव उबलना शुरू कर दे बॉइलिंग पॉइंट। तो ये है द्रवणांक और ये क्वथनांक। तो ये था
सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट का प्रॉपर्टीज, उसके स्वाभाविक गुण। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे सॉलिड का इंट्रोडक्शन, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉलिड। अब हम लोग टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के प्रकार, तो ध्यान रहे अगर हम लोग सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट दो प्रकार के होते हैं, एक है क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला जाता है, इसका इंग्लिश होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जबकि अक्रिस्टलीय का होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही हम लोग एमोरफस सॉलिड कहते हैं। तो जो सॉलिड है उसको दो प्रकार से बांटा गया, एक क्रिस्टलीय और एक है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमोरफस सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे ध्यान रखें, ये जो वर्ड एमोरफस, जो वर्ड है एमोरफस, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नो फॉर्म्स। एमोरफस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नो फॉर्म्स। नो मतलब नहीं और फॉर्म्स मतलब रूप, मतलब जिसका कोई रूप निश्चित नहीं है, अर्थात शेपलेस, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं हो, जिसका कोई ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं हो, उसी को हम लोग कहते हैं एमोरफस। तो जस्ट इसका अपोजिट कि जिसका आकार निश्चित होता। तो हम लोग क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा भी यहां से दे सकते हैं। अगर क्रिस्टलीय की बात करें तो कहता है वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, ध्यान रहे वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, और ये अवयवी कण अणु भी हो सकता है, ध्यान रहे परमाणु भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है। अवयवी कण अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है। तो वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण अर्थात अणु, परमाणु या आयन की ज्यामितीय व्यवस्था जो है वो निश्चित हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण की व्यवस्था, अवयवी कण की व्यवस्था निश्चित होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। तो इसका अपोजिट इधर वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण फिर वही अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। तो उसके जो अवयवी कण है उस अवयवी कण की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है या नियमित नहीं होती है। तो इसे हम लोग कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोस दो प्रकार के हैं, एक है क्रिस्टलीय और एक है अक्रिस्टलीय। अगर क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो बहुत सारे इसका एग्जांपल क्रिस्टलीय, जैसे NaCl, KCl, सुक्रोज, डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज,
ये सब क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित नहीं होती है। जैसे हो गया प्लास्टिक, कांच, क्वार्टज ग्लास, फाइबर ग्लास, पॉलीमर, ये सब एग्जाम्पल हैं अक्रिस्टलीय ठोस का। क्रिस्टलीय ठोस इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था जो होती है वो नियमित होती है, जबकि इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित नहीं होती है। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग वास्तविक ठोस कहते हैं, ध्यान रहे। ये जो क्रिस्टलीय ठोस है, इस क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग रियल सॉलिड कहते हैं, वास्तविक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग वास्तविक ठोस कहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग सियोडो सॉलिड, आभासी ठोस कहते हैं, या इसी को हम लोग अतिस्थितित द्रव कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कांच को अतिस्थितित द्रव कहा जाता है, सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है, क्यों? तो ध्यान रहे, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है और अक्रिस्टलीय ठोस की जो संरचना होती है वो द्रव के जैसा होता है, द्रव के जैसा होता है, जिसके कारण वो द्रव के जैसा बहने की भी प्रवृत्ति उसमें होती है। लेकिन उसमें बहने की प्रवृत्ति जो होती है वो बहुत ही मंद गति से होती है। ध्यान रहे, अक्रिस्टलीय ठोस की जो संरचना होती है वो द्रव के समान होता है, और द्रव के समान होने के कारण वो द्रव के जैसा बहता भी है, फ्लो भी होता है। लेकिन इसकी जो फ्लो होने की गति है, इसको जो बहने की गति है, वो बहुत ही मंद होती है। यही कारण है कि इसको अतिस्थितित द्रव भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, तो कांच एक अतिस्थितित द्रव है, क्यों? तो बताना है कि कांच की संरचना द्रव के जैसा होती है, इसमें बहने की प्रवृत्ति है, पर इसमें बहने की प्रवृत्ति अति मंद होता है। यही कारण है कि इसको हम लोग अतिस्थितित द्रव कहते हैं। तो ध्यान रहे कि जो अक्रिस्टलीय ठोस था, अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग अतिस्थितित द्रव कहते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं, आभासी ठोस। और यही कारण है कि जो पुराने भवन होते हैं, जो पुराने इमारत होते हैं, उनकी जो कांच की खिड़की होती है वो ऊपर का भाग पतला और नीचे का भाग मोटा हो जाता है। देखिए, मान लिया ये है इमारतों का खिड़की है और ये इस भवन की खिड़की का कांच है। तो ये लगा है, बहुत पुराने हैं, बहुत लंबे समय से लगा हुआ ये कांच है। कांच में बहने की प्रवृत्ति है, पर कांच में बहने की प्रवृत्ति बहुत ही मंद होती है, बहुत स्लो बहता है। तो कई वर्षों के बाद ये ऊपर से धीरे धीरे फ्लो करता है और ये धीरे धीरे फ्लो करके वो पेंदी की ओर बैठना शुरू कर देता है। ध्यान रहे, बहुत वर्षों बाद होता है, बहुत दिनों के बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है कि पेंदी में आकर के बैठ जाता है। और जब पेंदी में बैठता है बहकर, तो पेंदी जो होता है, नीचे का जो भाग होता है वो मोटा हो जाता है और ऊपर का भाग पतला हो जाता है। ध्यान रहे, ये है अपर पोर्शन और जो ऊपर का जो पोर्शन है वो पतला हो जाता है, लेकिन जो लोअर पोर्शन है, जो नीचे का पोर्शन है, वो थोड़ा मोटा हो जाता है, स्लाइटली थीकर। तो ये स्लाइटली थीकर हो जाता है। तो ध्यान रहे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कांच को अतिस्थितित द्रव कहा जाता है, क्यों? तो बताना है कि कांच एक आभासी ठोस है, इसकी संरचना द्रव के जैसा होता है, इसमें बहने की प्रवृत्ति द्रव के समान होती है, पर इसकी बहने की प्रवृत्ति बहुत ही मंद होती है।
यही कारण है कि इसे आभासी ठोस कहते हैं। और इसी गुण के कारण पुराने भवनों और इमारतों की खिड़की या दरवाजे की जो कांच होती है उसका ऊपर का भाग पतला हो जाता है और नीचे का भाग मोटा हो जाता है। तो इस वीडियो में मेरे बच्चों आज तक इतना ही। इसके आगे अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।